स्वागत है आपका। हरियाणा के सियासी घमासान पर इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। हरियाणा के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। इधर जेजेपी ने भी अपने विधायकों को दिल्ली तलब किया है। ऐसा तब होता है जब अपने विधायकों में टूट फूट की आशंका हो। आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काफी देखी होगी पिछले काफी दिनों में, जब सरकार बदली है किसी राज्य या फिर किसी जगह पर, तो उसी तरह की स्थिति एक बार फिर से बन रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 41 विधायक हैं, बहुमत का आंकड़ा 46 का, यानी कि अभी 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। निर्दलीय की बात करें तो वो 7 हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि जेजेपी के 3 से 4 विधायक टूट सकते हैं। माना जा रहा है कि निर्दलीय समर्थन दे सकते हैं और बहुत आसानी से मनोहर लाल खट्टर, जो अब तक मुख्यमंत्री थे, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं अगर वही मुख्यमंत्री फिर से होते हैं तो। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। मनोज, मैं सबसे जल्दी से आप ही का रुख कर लेता हूं। यहां कांग्रेस के भी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया, जेजेपी ने अपने विधायकों को तलब किया है, तो क्या टूट फूट की आशंका के चलते कांग्रेस जैसी पार्टी को भी, जो बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको भी ये करना पड़ रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर विधायकों को तलब किया है तो कितने विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं दोनों राजनीतिक पार्टियों के? देखिए, जाहिर सी बात है, हरियाणा में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है और उनके पास पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो पूरे विधायक नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस को भी पता है कि जोड़ तोड़ की कोशिशें हो सकती हैं। और जो हमारे सूत्र हैं, बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं, उनका एक कहना है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में है, और इसीलिए एहतियातन कांग्रेस ने अपने जितने विधायक हैं, 30 विधायक हैं इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस के पास, और 30 के 30 विधायक दिल्ली तलब किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में ही मौजूद हैं, दिल्ली में ही तमाम जो विधायकों को रहने के लिए कहा गया है, तो अपने अपने विधायकों को एक तरीके से साध के रखने की भी कोशिश यहाँ पे है। और जननायक जनता पार्टी भी दिल्ली में बैठक कर रही है, अजय चौटाला वहाँ, दुष्यंत चौटाला वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि 10 के 10 विधायक वहाँ पहुंचे नहीं है। कुछ विधायक जेजेपी के नदारद हैं बैठक से, और ये वो विधायक हैं जो बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, खुलकर सपोर्ट किया है बीजेपी को जेजेपी में रहते हुए भी, तो ऐसे विधायक भी बीजेपी के पास आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी को सरकार बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट उसके पास है, तो हर कोई अपने जो विधायक है उनको बचाने की, साधने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और बीजेपी भी दोबारा एक तरीके से हम कहें मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार जो सरकार है वो बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा मनोज और ये दोनों राजनीतिक पार्टी, चाहे वो जेजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी, उनके लिए लिटमस टेस्ट भी है कि दिल्ली बुला लिया है, जितने आए समझ लीजिए आपके पाले में, जितने नहीं आए समझ लीजिए कि वो दूसरे के पाले में चले गए। मैं